अरे यार, एक महीना हो गया सही में, रोज लॉगिन कर करके चेक कर करके परेशान हो गए मैं। पता नहीं कब होगी, अनसस्पेंड हो जाएगी कब। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं यश और आप देख रहे हैं ओपी बोट यूट्यूब चैनल। तो आप ये थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे ये वीडियो है। तो गाइस, मेरी भी अभी रिसेंटली फ्री फायर की आईडी सस्पेंड हो गई थी। एक महीने पहले हुई थी, अभी 3 दिन पहले ही अनसस्पेंड हुई है, जो कि मेरी 69 लेवल की आईडी थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी आईडी को कैसे अनसस्पेंड करा, और मैं एक नई ट्रिक भी बताऊंगा जो दूसरे यूट्यूबर नहीं बताएंगे आपको, जिससे मेरी आईडी अनसस्पेंड हुई इतनी जल्दी। वरना हर किसी की इतनी जल्दी अनसस्पेंड नहीं होती, लोगों को तो 6 6 महीने या 1 साल भी हो जाते हैं तो भी नहीं होती लोगों की। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, उससे ज़्यादा अपन को समझ में आएगा कि कैसे आईडी को अनसस्पेंड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको किसी भी स्कैम में फंसना नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूबर ये बोले कि एक फ्री वाला एक ऑप्शन है और एक पेड वाला ऑप्शन है जिसमें जल्दी हो जाती है, तो पहली बात, ऐसा कोई फ्री फायर नहीं है या ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं बनी है कि आप पैड करके उसको पैसे दे के आप अपनी आईडी अनसस्पेंड करा सकते हो। बस ये सब लूटने के धंधे होते हैंगे जिसमें आप लूट जाते हो बहुत आसानी से, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अगर कोई आपसे आईडी या पासवर्ड मांगे तो भी नहीं देना है, इससे कुछ लोग आपके आईडी भी स्कैम कर लेते हैं कि आपके टाइम आ गया होता है आईडी अनसस्पेंड का, और उतनी देर में आप अपनी आईडी या किसी और को स्कैम करा बैठते हैं। तो आपको इन सबसे पहले बचना है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। देखो भाई लोग, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, पहली जो खतरनाक हैक इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो छोटा मोटा करते हैं। खतरनाक वाले की बात कर लेते हैं पहले, जिसमें लोग बाग एम बोर्ड कर लेते हैं, फ्लाइंग हैक हो गया, कार वाला हो गया, इनविजिबल हो गया, टेलीपोर्ट हो गया। अगर आपने ये सब करा है तो आप ये वीडियो अभी छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहेगा तो भी आपकी आईडी सस्पेंड अनसस्पेंड नहीं करा सकता, वो कोई नहीं करा सकता, क्योंकि वो आईडी में जो हैक इस्तेमाल करते हैं इतना खतरनाक वाला, उनकी आईडी कभी अनसस्पेंड नहीं होती। और सेकंड वालों की बात करें, जो ग्लिच मिलिच इस्तेमाल करते हैं, वो छोटे मोटे हैक होते हैं जिसमें ग्लिच इस्तेमाल कर लेते हैं लोग बाग, कॉन्फिग फाइल कर लेते हैं या कोई ऐप कर लेते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसमें फिर आईडी सस्पेंड हो जाती है, तो ये जल्दी हो जाएगी अनसस्पेंड। अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। तो ज़्यादातर यूट्यूबर सब यही बताते हैं कि करीना की वेबसाइट पर जाओ और यहाँ से चेक कर लो कि आपकी आईडी बैन है कि सस्पेंड है, कि आपने कोई हैक इस्तेमाल करा है कि नहीं करा। तो गाइस, मैं बताऊँ कि ये अच्छी बातें करना चाहिए, पर इस वेबसाइट का दिक्कत ये है कि ये प्रॉब्लम बहुत करती है, कभी सही बताती तो कभी गलत बताती है। इसमें ये बताता है कि आपकी आईडी ऑलरेडी बैंड है, तो कुछ यूट्यूबर ये बताते हैं कि आपकी आईडी कभी अनसस्पेंड कभी हो ही नहीं सकती, ऑलरेडी बैन है आपकी, हो ही नहीं सकती, हैक इस्तेमाल करा हुआ है। और कभी इस तो बोलते हैं कि इसमें एविडेंस नहीं मिला आपका हैक का, जब भी वो आईडी सस्पेंड रहती है तो बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, दोस्त के अकाउंट में जाके, या दोस्त से बोल के कि मेरी आईडी चेक करना फ्रेंड लिस्ट में है कि नहीं, अगर है यानी है कि आपकी आईडी अनसस्पेंड है, बैन नहीं है, और अगर शो नहीं कर रही, लोडिंग दे रही है, यानी कि आपकी आईडी बैन हो चुकी है, तो वो आईडी कभी नहीं आ सकती। तो गाइस, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी, इसके लिए शुक्रिया। जो लोग यहाँ तक आए उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है, उसकी आईडी अनबैन होने ही वाली है 100%। और इसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, क्या मैंने ट्रिक लगाई थी जिससे मेरी आईडी अनबैन हुई थी। तो उसके लिए अपन बेसिक्स पे चलते हैं। और पहले नंबर बेसिक्स पे जाने पे से पहले कि आपको यहाँ से वीडियो 1% के लिए भी स्किप नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप करोगे तो फिर आप भूल जाना, यहाँ तक आने के बाद भी आपकी आईडी अनबैन नहीं होगी या अनसस्पेंड नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स ये हैं कि सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं गरीना की वेबसाइट पे जाके, वो तो करना ही करना है हर एक को। और अगर आपको वो करना नहीं आता है
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसकी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आपको उधर से हेल्प मिलेगी बहुत। तो ये करने के बाद आपको फिर जीमेल आईडी पे जाना है, जो गरीना की जीमेल आईडी है उस पे जाके आपको मेल करना है, वही सेम टू सेम मेल करना है जो आपने सबमिट रिक्वेस्ट पे करा था। और उस पे क्या है कि वेबसाइट पे तो रिप्लाई आ जाता है, पर जीमेल पे रिप्लाई मुश्किल से मिलता है, कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं जब जाके मिलता है। तो अगर मिल जाता है उसमें टाइम ज़रूर लगता है, पर अगर मिलता है तो आपकी आईडी भी 100% अनबैन कर देते हैं वो लोग। तो आपको 3 दिन लगातार रोज़ 4 बार रिक्वेस्ट तो भेजनी पड़ेगी, जीमेल पे मेल करना पड़ेगा। तो अगर वो आपको रिप्लाई दे देंगे तो वहाँ से भी आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। तो गाइस वो ट्रिक जो मैंने लगाई थी जिससे मेरी आईडी जल्दी अनसस्पेंड हो गई थी, वो ये है कि आपको अपना मोबाइल में से फ्री फायर को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप सबमिट रिक्वेस्ट करने वाले होंगे वेबसाइट पे या जीमेल पे, उससे पहले आपको अपना अनइंस्टॉल करना पड़ेगा फ्री फायर। और अगर आपको सही में चाहिए, आपको अपनी आईडी की परवाह है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करा दें और उसका जितना भी डेटा है आप कहीं अलग जाके रिस्टोर कर लें, उसे स्टोर कर लें उसको, चाहे मेमोरी कार्ड में या पेन ड्राइव में। उसके बाद आप उसको रीसेट करा दीजिए, जिससे कि आपने जो भी कॉन्फ़िग फाइल या फिर ग्लिच इस्तेमाल करा होगा उसकी जो फाइल है वो डिलीट हो जाए। क्योंकि जब फ्री फायर वाले गरीना वाले चेक करते हैं उसमें कि आपकी आईडी बैन क्यों करी है, सस्पेंड क्यों करी गई है, तो उसमें वो आपके मोबाइल में से देख लेते हैं डाटा कि अगर आपने कोई फाइल वगैरह करी है या कोई ग्लिच इस्तेमाल करा है तो पता लगा लेंगे। तो उससे पहले आपको अपनी आईडी, अपनी ऐप को डिलीट करना पड़ेगा फ्री फायर वाले को, या फिर आप रीस्टार्ट करा दें। तो गाइस अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपकी आईडी 100% नहीं 1000% अनसस्पेंड हो जाएगी, और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय।